सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड्स एग्री कोचिंग एंड एज यू ऑल नो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ आर ए एफ ओ एग्जाम आपका एग्जाम है ट्वेंटी एट ऑफ जनवरी को एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स नीड सच अ वीडियो एक ऐसा वीडियो चाहिए होता है जिसमें सारी चीज़ें हो और जिससे पंद्रह मिनट में एक घंटे में हमको शायद से एटलीस्ट एक दो मार्क्स तो मिल जाए सो लेट स्टार्ट आर टूडेज सीरीज अब मैं इस वीक में आप सबके लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन

स्टार्ट डिस्कशन विद सिंपल एग्रोनॉमिकल टर्म देख रहे हैं। तो एक जो पार्ट है एग्रोनॉमी का दैट इज रिलेटेड टू पॉलिनेशन और फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कुछ भी टर्म्स पूछे जाते हैं तो वन टाइम लेट्स जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसकी जिसका मीनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फ्लावर में होते हैं वो होते हैं पिस्टल स्टैम सेपल्स एंड पेटल्स अगर किसी को भी ये नाम पता नहीं चल रहे डायग्राम हैज गिवन एंड हियर ओवरऑल द नेम ऑफ द ऑर्गन ये आपके फीमेल हो गए ठीक है ऑर्गन ठीक है और एंथर फिलामेंट और ये जो स्टेमिन होता है ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव हो गया ये आपका फीमेल पार्ट ये आपका मेल पार्ट ओके हम क्लियर है इसमें फीमेल पार्ट को कंप्लीट फीमेल पार्ट को जिसमें ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा एक साथ होते हैं उनको कभी भी गाइनोशियम कहा जाता है ठीक है और ये जो कंप्लीट मेल पार्ट होता है ना उसको तो एंड्रोशियम कहा जाता है आपको पता ही होगा ठीक है -like uh, मतलब पत्ते होते जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं सेकेंड नाउ द टर्म इज स्टेमिन इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसके दो पार्ट होते हैं स्टेमिन के एंथर और फिलामेंट एंथर वो होता है -like जरूरी नहीं है सारे एंथर्स येलोइ हो ठीक है आगे फिलमेंट सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द स्टेमिन जो पूरे स्टैमिन को पकड़ के रखता है वो आपका फिलामेंट नेक्स्ट इज कार्पेल नाउ कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच फॉर्म्स द पिस्टेल ठीक है यह आपका टोटल कार्पेल हो जाता है सो so, कार्पेल में क्या होता है ऑल द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम ओव्यूल ओवरी सारे पार्ट उसमें आ जाते थ्री पार्ट अंडर कार्पेल स्टिग्मा इज न हेड ऑफ दिस्टेल दैट कैचे सिंपल मेल्स में सॉरी uh, ह्यूमंस uh, में जैसे लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव रिपोर्डक्टिवर्गन होता है सिमिलरली योर स्टिग्मा इज नथिंग बट द ओपनिंग थ्रू विच एज सिंपल एज दैट स्टाइल आपको पता होगा इट इज द स्टॉक ऑफ द पिस्टल जो पकड़ के रखता है एंड ओवरी इज नथिंग बट वेयर इट होल्ड्स द ओव्यूल्स और एग्स भी कह सकते हो ठीक है अ फ्लावर विद द बोथ फंक्शनल मतलब मेल और फीमेल जिस फ्लावर में होते एक ही फ्लावर में उसको हम कहेंगे बाइसेक् नहीं तो उसको हम कहेंगे हर्मा प्रोडक्ट या फिर बैसेक्षुल. आगे बढ़ते नाव देर इज टू टर्म्स विच आर वेरी वेरी एक होता है प्रोटो एंड्री दूसरा होता है प्रोटो गाइनी नाव वट इज प्रोटो गाइनी एंड एंड्री इट इज नथिंग बट Completely dependence on maturity. Suppose a flower may suppose male part pehle, repro, uh, pehle mature ho then female part. If a male part is maturing first, uh, uh, then female part is maturing that would be called as proto andry. Proto andry means andry first, that is male first, and female if the part is maturing.

इम्परफेक्ट फ्लावर्स जो होते हैं जिनमें इधर मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट होता है उनको यूनिसेक्स फ्लावर कहा जाता है बाइसेक्सुअल इन द सेंस बोथ द मेल फीमेल ऑन द सेम फ्लावर यूनिसेक्स मीन्स इधर मेल और फीमेल व्हेन बोथ टाइप ऑफ दिस फ्लावर ऑकर इन द सेम प्लांट मोनोशिय दीज आर मोनोशियस मतलब क्या व्हेन बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स आर ऑकरिंग इन द सेम प्लांट इसका मतलब सपोज एक फ्लावर पर मेल ऑर्गन है दूसरे फ्लावर पर फीमेल ऑर्गन है लेकिन ऐसे फ्लावर्स एक ही प्लांट पर है तो उसको हम मोनोशियस कहेंगे एंड सपोज मेल फ्लावर एक अलग प्लांट पर है और फीमेल फ्लावर एक अलग प्लांट पर है लेकिन दोनों प्लांट सेम ही स्पीशीज के हैं या फिर सेम ही प्लांट जो आपका वैरायटी है उसके ही है देन दैट वुड बी कॉल्ड एज डायोशियस ठीक है आई आई होप यू गेट इट यहां पर मैं और कुछ नहीं बता रहा आई एम जस्ट डिस्कसिंग टर्म्स जस्ट डिस्कसिंग टर्म्स क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा देन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है ये आपको पता होना चाहिए दिस इज अ कंपल्शन सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नथिंग बट वेयर इट ऑकर्स इन द प्लांट्स वेयर बायसेक् फ्लावर्स अचीव एंथरडिस

ठीक है गस अब उसी का दूसरा होता है ठीक है इन सम प्लांट्स डू नॉट ओपन एट ऑल मतलब कभी भी उनकी पंकुड़िया ओपन नहीं होती है फ्लावर्स की और उसको हम कहेंगे वेयर द फ्लावर्स डू नॉट ओपन दैट इज क्लिस्टो क्लिस्टोगमस ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज देखो सेल्फ पॉलिनेशन देख लिया नाउ व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन इट इज नथिंग बट विच

कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग टाइम पे कभी पहले मेल कभी पहले फीमेल ये मच्योर होतेमी वेर द स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अ बैरियर टू द सेल्फ पॉलीनेशन इसका मतलब मेल और फीमेल पार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर द पॉलिनेशन देन वट इज हेटेरोस्टाइली वेर फ्लावर्स आर

फेनामे इन प्लांट्स वेयर मेन शूट डॉमिनेट्स एंड इनबिट्सूट देखो क्या होता है टर्मिनल बर्ड्स होते हैं अपाइकल बर्ड्स होते हैं ठीक है सो so, आपकी जो मेन ब्रांच होती है उसके ऊपर जो आपका बर्ड होता है bird, उसमें बहुत पोटेंसी होती है फॉर देर ग्रोथ एंड दैट इज वाई इन मेरी ऑफ द प्लांट्स यू सी की साइड लाइन ब्रांचेस जो होती है वो तो ग्रो करती है बट आपकी जो मेन ब्रांच होती है दैट ग्रोज रैपिडली एंड दैट शोज डॉमिन अब ये जब होता है

इन एग्रोनॉमिकल ऑल द फील्ड क्रॉप देर आर वेरियस प्रोसेसिस वेरियस एक्टिविटीजन अब हम एक, एक एक देखेंगे और सारे एक्टिविटीज को खत्म करेंगे पहला है एरोंग इन शुगर केन क्या होता है शुगर केन और इन फ्लोरसेंस इज ऑल्सो नोन एट एरोन पिनाकल देखो शुगर केन के ऊपर जो फूल जैसा ऐसा एरो टाइप होता है ना इसको हम कहते हैं क्या एरोइंग ठीक है सो धिस इज ऑल्सो नोन एट फ्लावरिंग इन शुगर केन एंड धिस फ्लावरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एस एरो एग्जाम में पूछा जा सकता है एरोइंग

Paddy cultivation in different regions in the country. Okay. And why this is done? This is also done so as to, like, loc locally, whatever rice varieties are there, traditional varieties are there. Okay. And in the lowland areas where the water or water lodging, whatever is available for the rice cultivation.

देश उत्तर प्रदेश एंड बदौनी इन बिहार सो ईस्टर्न पार्ट ओके नेक्स्ट ब्लाचिंग इन कॉलीफ्लावर नाउ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ठीक है सो इज इज इट नथिंग बट कॉलीफ्लावर के लीव्स होते हैं बड़े बड़े सो इट इज अ सिंपल प्रैक्टिस ऑफ बाइंडिंग लार्ज आउटर लीव टूगेदर एंड एंड टाइंग डेम टुगेदर सो दट वॉट एवर योर क्वालीफ्लावर इज देयर इट कैन लाइक इट कैन ग्रो प्रॉपरलीके नाउ दिस इज ऑल्सो डन टू प्रिवेंट द लीव फ्रॉम येलोइंग ऑर ब्राउनिंग एंड विच डेवलप्स अ बिटर फ्लेवर ड्यू टू ओवर अबंडक्सपोजर सो होता क्या है कॉलीफ्लावर में इफ यू सी इफ कॉलीफ्लावर इज ओपन टू अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ द डे लाइट दैट इज सनलाइट तो वॉट है एक्सपोजर टू द सनलाइट येलोइंग एंड ब्राउनिंग है कॉलीफ्लावर and there the test of the cauliflower whatever is there that becomes really very very bitter so what is done in this case it is nothing but blanching is done and blanching is not something which is related to heating this is a different blanching which happens in cauliflower so here simple practice whatever the leaves are there look at here pick is also given whatever leaves are there those are larger outer leaves are brought together Ek usko and then they tie it

टू एक्सर्ट फ्रॉम द बूट सो यू ऑल वुड बी नोइंग अबाउट अगर हम राइस क्रॉप देखें तो इसके अंदर ग्रेन होते हैं शीत के अंदर ग्रेन्स होते हैं राइट सो ये जो शीत एक्सपांशन होता है उसको हम बूटिंग कहते हैं ठीक है शीत एक्सपांशन इज बूटिंग एंड वेन पिनाकल कम्स आउट ऑफ दिस शीत दैट इज कॉल्ड एज हेडिंग ओके सो रिमेंबर दिस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इमेजेस गिवन दिस इज बुटिंग A external covering over the rice grains that is booting and that also swelling and heading is nothing but, of course, your grains or pinnacle coming outside of the uh, sheet. Next, then comes bolting. Bolting is the term which is applied to the vegetable crops when they are prematurely run to seed, usually making them unusable. So, bolting is what it is in vegetable crops.

डेपोग और मैट नर्सरी अगर हम डेपोग या फिर मैट नर्सरी की बात करें इट इज नथिंग बट अ वेरी थिक स्टैंड ऑफ नर्सरी सीड सीडलिंग्स विदाउट एनी कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक रेज प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप ट्रांसप्लांटेशन करते हो या फिर सोइंग कर सकते हो सीड्स का ठीक है सिंपल एज दैट डेपॉग मैट नर्सरी तो सबको पता है डेपोक पता नहीं होता है तो इन एग्जाम डेपोक टर्म में कम आप बोलोगे कि क्या है ठीक है देन गर्डलिंग और सिंटरिंग इन ग्रेप्स नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रिमेंबर केयरफुलट इज अ ट्रेडिशनल हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस अपलाइड एट द फ्रूट सेट और अदर फेनोलॉजिकल स्टेट विच इज यूज फॉर वाइन मैनेजमेंट इट इज अ टेक्निक टू फोर्स अ फ्रूट बियरिंग प्लांट टू बियर अ लार्जर फ्रूट नाउ आई विल यू हाउ ठीक है यहां पर देखना जस्ट ऑब्जर्वी जस्ट ऑब्जर्व मी केयरफुल बाद में बोलना मत सर समझा नहीं सपोज हम ग्रेप्स का एक ग्रेप्स के तो वाइन होते राइट प्लांट्स एंड वाइन इज देर सो कंसिडर लाइक दिस ग्रेप का एक ऐसा पेड़ है वी आर इंटरेस्टेड इन धिस ब्रांच ठीक है इसी का ज़ूम करके दिखाता हूं मैं किसी को समझ रहा है तो देखो ठीक है यू यू कैन सी इट राइट या सो happens in इन ग्रेप्स देखो ग्रेप्स की जो साइज होती है अगर उन ग्रेप्स की साइज को अगर आपको इंक्रीज करना है ठीक है सो वॉट एवर ग्रेप्स आर लेडन यहां पर जो ग्रेप्स लगे इस ब्रांच के ऊपर वॉटर इज कमिंग थ्रू एम फ्लोएम ट्रू नो वेन दे आर कमिंग फ्रॉम द बॉटम अफकोर्स आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल इट्स ब्रांचेस एम आई राइट बट सपोज इस ब्रांचेस के ऊपर अगर हमने ज्यादा फूड को अगर ट्रांसफर किया तो होगा क्या इधर के जितने भी ग्रेप्स हैं वो क्या हो जाएंगे दे गेट मोर न्यूट्रिशन उनकी साइज बढ़ जाएगी एम आर राइट सो गर्डलिंग इज नथिंग बट आप क्या करते हो द ब्रांचेस ऑफ शुगर केन सॉरी द ब्रांचेस ऑफ ग्रेप्स जो ग्रेप की आपकी ट्विग होती है जो ग्रेप की वाइन होती है या फिर ग्रेप की छोटी जो ब्रांचिंग होती है उस पर आप एक्सटर्नल कट लगाते हो एंड यू रिमूव इट्स एक्सटर्नल बार्क ओके सो हियर इफ दिस इज योर स्टेम और दिस इज योर ट्विग ऑफ ग्रेप तो आप क्या करते हो आप उसका एक्सटर्नल पार्ट हटा देते हो एंड यू जस्ट कीप इट्स इंटरनल पार्ट एक्सटर्नल पार्ट आप जैसे ही हटा देते हो सो इफ यू सी थ्री डी अगर आप थ्री डी में देखते हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा

At the base of the larger branch or the trunk, in such a way that now whatever nutrients are there, those would be accumulated or those would be only brought to a particular branch. As that branch will receive more nutrients, more food, right? So that's why on that branch you will see heavy laden grapes. So this is an artificial measure through which uh, the food or nutrients are actually pumped up. मे बी आर ट्रांसफर्ड इन एन पर्टिकुलर ब्रांच फॉर द ग्रोथ ऑफ द लार्जर और बियरिंग द लार्जर फ्रूट इज जनरली डन इन ग्रेप्सो इट इज ऑल्सो सिंटरिंग ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट सिंह बट गर्डलिंग इज वॉट द टर्म फेमसली नोन फॉर एग्जाम्सल बहुत बार पूछा गया है नेक्स्ट टाइंग इन शुगर केन सो टाइंग इन शुगर केन इज टू डन टू प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर कैन प्लांट सिंपल इज दैट सी देर आर सर्टन प्लांट्स और क्रॉप विच आर हैविंग ह्यूज हाइट्स बट एज द हाइट ग्रोज ओके इफ द क्रॉप गर्थ इज नॉट बिग इनफ अगर क्रॉप की जो बार्क होती है या फिर उसकी जो विड़ होती है वो अगर अच्छी खासी नहीं है तो वो क्रॉप तो ऊंचा ऊंचा ग्रो तो करेगा लेकिन वो नीचे गिर जाएगा वेन द क्रॉप ग्रोज एंड वेन द हाइट ऑफ द क्रॉप इज एक्सट्रीमली हाई बट it has not having the enough girth there is very high chance that the crop may fall to the either side and lay on the ground or lay on the field this this process or maybe this part where the crop lays down on the field or falls on the field that is called as lodging of crop and to prevent the lodging of the crop such two three fragile crops बट वेरी वेरी हाइटेड फ्रेजाइल क्रॉप केन को कैसे टाई किया बिकॉज ऑफ एज देदे गेट लिटिल डो नॉट फॉल ठीक है टाइंग किसमें होता है शुगर केन में नेक्स्ट रैपिंग इन शुगर केन अब रैपिंग की बात करते इट इज डन बाई टाइंग द केस Of several clumps with the help of lower dried green leaves to prevent lodging of canes. par sugar canes are tied together in a circular pattern. Here, if you see this for very few sugarcane crops, tying is done. Okay. But if there is a complete crop field of sugarcane, okay, here you will see that wrapping is done also for support. But in wrapping, you will see one row or one complete column. It's tied together. Okay. So, uh, and that is also tied at the base of the crop by using the old dried leaves in order to prevent the lodging of the sugar canes. Okay. The distribution of CO2 becomes easy and proper for all the plants throughout the field. This is also one of the advantages. So, both tying, wrapping, remember them. Then it's propping in sugar cane. So, tying the canes by using lower bottom leaves to check the lodging of the cane. Again, propping is also the same, but in propping distinctively, it can be done either for a row, two rows, or even can be done for a complete column. Okay. The double lining propping is very, very famous. This is also done to prevent the lodging condition only. And in coastal parts where the sugar cane is grown, here such type of propping is done. Remember, so carefully tying, wrapping, propping. थ्री आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टर्म्स रिलेटेड टू शुगर के नी सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ट नाउ अगेन प्रॉपिंग इन बनाना सो प्रॉपिंग इज नथिंग बट एट दूडो स्टेम रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम द प्रोप्स प्रॉप इज नथिंग बट अनी एक्सटर्नल पार्ट विच गिव सपोर्ट प्रॉप मतलब क्या होता है प्रॉप इज नथिंग बट अ एक्सटर्नल पार्ट विच गिव्स सपोर्ट तो प्रॉपिंग आपका हो जाएगा एनी विच गिव सपोर्ट So here, bamboo or metallic poles could be used for supporting. In banana, as we all know about, similar to sugarcane, it is a very heighted plant, but the girth of the branch is not that uh, good enough, and that's why you will see banana plants are also heaning, uh, he heaving at either one side, either to the left, either to the right. So they are falling on the either side on the field to give them support. A uh, external metallic rod or maybe bamboo could be used. That is again called as propping. डी ट्रैशिंग इन शुगर केन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नी ट्रैशिंग कभी भी आएगा इट इज नीमूवल ऑफ अनगुलेटेड टाइम सोर प्रॉपिंग बट ड्राइड लीवर एक्सिस आर देर ऑफ अवर दोबर दट इज कॉल्ड एज डी ट्रैशिंग डी सकरिंग इन मनाना ना सकर नो अबाउट यहां पर आपके रूट्स में suppose there is a lateral branching okay there is a development of a bud which is now growing and from here new branches are going to grow but this whatever bud is there as you all know it is the new branch it will absorb more nutrient if a bud at the base only is absorbing more nutrient a very less nutrient would be sent to the top of the plant and therefore the upper plant of the uh, the upper plant or the upper part of the plant that may suffer the scarcity of nutrients, and this is why your de suckering is done removal of surplus and unwanted suckers from the banana plant. Okay, now these suckers can be removed from the mother plant by either cutting the sucker at the ground level or either by destroying the heart of the sucker only. So either you destroy or either you cut. Okay, so you can pour the kerosene oil in the sucker and thus it dies. So generally, suckering is nothing but. As you all know, it is a bud only, which is responsible for the growth of the lateral new branch. But as it will take up so much of nutrients, water, what will be left for the upper part of the banana? So, because of that, de-suckering is done, removal of the suckers. Then, mulching in banana. It is nothing but spreading mulch on the soil to reduce the evaporation control weeds. See, you have know, to mulching banana, mein, it happens through the banana uh, branches only. Dried and fallen banana branches only. डीकरिंग इन टोबैको अगेन रिमूवल ऑफ इन टोबैको इज कॉल्ड एज डी सकरिंग किस किस प्लांट में डी सकिंग होता है किस किस प्लांट में आपका प्रॉपिंग होता है यू शुड बी नोइंग अबाउट वी ऑल आर लुकिंग एट दैट ओनली नेक्स्ट इज डी टैसलिंग इन कॉर्न अब ये याद रखना डी टैसलिंग क्या होता है इट इज रिमूवल ऑफ टैसल्स फ्रॉम द फीमेल प्लांट सो हियर लुक एट द कॉर्न सो टैसल्स आर नथिंग बट हियर यू कुड सी द सेम पार्ट सिमिलर टू एरोज राइट So, arrowing. So it is nothing but when tassel emerges out of boot leaf, okay, here detasseling is done, okay, and the tassel is removed from the female parent, okay. So, uh, yes, just before the tassel is going to shed the pollen grains, detasseling is nothing but this tassel or uh, the flower like part is removed from the corn, okay. Next is pegging in groundnut, ok. So, remember this pegging in groundnut. After 7 days of fertilization, the intercalary meristem below the ovary starts to become activate. And the hole located in the internode also gets start enlarged. So, try to understand what does pegging means. It is nothing but the development of groundnut noodles into the ground, ok. And it, development of its extension, ok. So, here internodal formations...

And the bending and downward growth of the stalks of groundnut that is called as pegging. Okay, so wo bending stalks, it is because of the fertilized ovary which is present at the tip of the stalk. So, because of the weight of the stalk, the bending of the stalks happens, and that is called as pegging. Next is ginning of cotton. You all would be knowing about ginning, uh, what ginning is. Okay. इट इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ सीड्स एंड क्लीनिंग द फाइबर ऑफ द कॉटन सिंपल इज दैट आगे बढ़ते विल नॉट वेस्ट आर टाइम यस रिमेंबर दिस वेरी केयरफुल वेट ऑफ वन बेल इक्वल टू वन कॉटन बेल इक्वल टू वन सेवन केजी वन जूड बेल इजकल टू वन एटी केजी वन मेस्टा बेल इजल टू वन एटी के जी वन सिल्क बेल टू फिफ्टी के जी एंड वन सिल्क बेल इंडियन इज फिफ्टी के जी एंड इंटरनेशनल इज सिक्स केजी रिमेंबर दिस देखो यहां पर भी शायद से अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे नेक्स्ट

किया जाता है आपके टी कल्टीवेशन में ठीक है आई होप दैट आर क्लियर नेक्स्ट स्वीपिंग इट इज द प्रोसेस बाई और सिमिलर टूलियल प्रिवेंट दिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इन दॉइल तो इसका मतलब क्या है प्लांट का जो अपर पार्ट है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट उसको रिमूव करने के लिए यहां पर स्वीपिंग का यूज किया जाता है सीड इन दॉइल मतलब जर्मिनेशन प्रिवेंट करने के लिए आपका स्वीपिंग किया जाता है ठीक है नेक्स्ट टॉपिंग इन कॉटन अब ये नया टर्म हम सुन रहे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज अ कल्टीवेशन मेथड दैट इज वाइडली प्रैक्टिस ड्यू टू इंटरमीडिएट ग्रोथ कैरेक्टर ऑफ कॉटन कटिंग द शूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट इट्स कॉल्ड एट्स टॉपिंग एंड इट इंक्रीज इज दी एंड द क्वालिटी ऑफ द कॉटन तो कभी भी अगर टॉपिंग कॉटन के कंटेक्स में आता है इट इज नथिंग बट कॉटन के जो शूट होती है जो अर्ली ब्रांचेस होते हैं उनको कट किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे टॉपिंग ठीक है so, सो इससे क्या होता है रीजनरेशन हो जाता है रिजुविनेशन uh, हो जाता है कॉटन प्लांट का ठीक है नेक्स्ट टिपिंग इन टोबैको अगेन टिपिंग आ चुका है सो इट इज नथिंग बट रिमूविंग द फ्लावर स्विचेस द प्लांट फ्रॉम अ सीड प्रोड्यूसिंग टू प्रोड्यूसिंग फीस सो so, यहां पर आप देख सकते हो टोबैको में जनरली आपके टिपिंग होता है मैक्सिमम लीफ प्रोडक्शन दो प्लांट्स के लिए इसेंशियल है एक है टोबैको दूसरा है टी सो टू एनकरेज द लीफ राइपनिंग इट इज नेसेसरी टू रिमूव द फ्लावर ठीक है सिंपल सी बात है अगर आपको यंग लीव्स चाहिए ठीक है तो यंग लीव्स के लिए आपको फ्लावरिंग प्रिवेंट करनी पड़ेगी क्यों बिकॉज वेन अ फ्लावरिंग इट दैट द प्लांट हैज बिकम मच्योअर्ड राइट मच्योअर्ड प्लांट इज ऑफकोर्स ओल्ड प्लांट बट हमको चाहिए फ्लावर so, हम को रिमूव किया जाता है ठीक है रिमूव द फ्लावर्स विच इज द प्लांट इट्स देन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सीड प्रोड्यूसिंग दैट इज रिप्रोडक्टिव स्टेज टू अक्स प्रोड्यूसिंग वेजिटेटिव फेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिम्यूबर इट

सो क्यूरिंग इज नथिंग बट वी ऑल नो इधर इसको ड्राइंग कहा जाता है क्यूरिंग प्रोसेस को या फिर स्टोरिंग एट अ वेरी लोअर टेम्परेचर रिमेम्बर इट वेरी वेरी केयरफुलज नथिंग बट ड्राइंग ऑफ द लीवस एंड लूजनिंग द ग्रीन कलर ऑफ द लीव वेन एवर यू ड्राई एनीथिंग इट लूज इज द मॉइस्चर वेन इट लूज इज द मॉइस्चर इन ऑर्गेनिक प्लांट्स एट द मॉइर इज लॉस्ड द क्लोरोफिल पिगमेंटेशन इज ऑल्सो लॉस्ट एंड द डीनिंग so this is called as curing it is done to improve the shelf life of all the leaf bearing crops like tobacco tea coffee cocoa okay etc next tobacco curing when we are talking about it is nothing but the process by which harvested tobacco leaf is ready for the market okay so this curing in tobacco is not done at lower temperature but at normal drying and decomposition of chlorophyll is done until a green color tobacco leaf is converted into a brown color brown goldenish color leaf okay so here chlorophyll eliminates hydrolysis of starch into sugar happens respiration fermentation of sugars happens then after the loss of the chlorophyll it gets converted into brown color which we are looking at types of curing if you see first is flu uh, flue curing okay so here drying is done under atmospheric uh, artificial atmospheric conditions ठीक है देन इज एयर क्यूरिंग एयर क्यूरिंग इज नथिंग बट नॉर्मल एटमोस्पियर टेम्परेचर पे ड्राई करना सिंपल ठीक है देन ग्राउंड क्यूरिंग इट इज नथिंग बट वट एवर विल्टेड प्लांट्स आर देयर दो आर प्लांट्स प्लांट्स आर 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 और कट कलेक्टेड इन टू हीप एंड दो आर लेफ्ट ऑन टू द ग्राउंड सो इससे क्या होता है नेचुरल ड्राइंग प्रोसेस हो जाती है ग्राउंड क्यूरिंग कहते हैं इसको फायर क्यूरिंग इज नथिंग बट ऑफकोर्स अंडर द फायर सन क्यूरिंग अंडर द सनलाइट

होता क्या है ये इट इज अमिकल प्रोसेस ठीक है एंजाइमेटिक एक्शन होता है ऑफ वेरियस माइक्रोब्स विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन वॉटर एंड जूट इज रेटेड एंड मेस्टाइज रेटेड ठीक है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेटिंग अगर हम देखें माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजिकल वाटर एंड ड्यू से होता है एंजाइमेटिक भी होता है मैकेनिकल भी होता है फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है ठीक है नेक्स्ट स्ट्रिपिंग इन जूट अब ये भी इंपॉर्टेंट है

simple. From the stock of the sugar, sugar uh, from the stock of your jute, from the stock of your mesta, your fiber is removed out. Okay? Simple as that. Next, ribboning in jute. So, ribboning, ribbons are nothing but stripped out fibers whatever are there. Okay? Which are mechanically removed. Those are coiled and allowed to continue for the retting process under the water. Generally, before the threading process of jute and your mesta, this ribboning is done. So, ribboning is nothing but your rich fibers which you have removed from your retting process. After that, you again coil them and allow the again after drying, again you do the retting process under the water. Next is stocking or trestling, very, very important. It means fastening the plants with upright stakes with the help of the plant ties. It is nothing but again. Uh, stock, uh, staking and trestling Nama alag-alag hai, but I will tell you very, very simple. It is nothing but again supporting a plant. Kuch nahi, bas support dena hai plant ko. This is what the stock, uh, staking or trellising means. So stakes provide support and strength to the top heavy plants and allow them to grow. Okay, this is your staking or your trestling So you could see on various vines, on various shrub plants, such wooden structures triangular wooden structures straight wooden structures those are done for all the plants who are heavy at the top so such heavy top plants are given support and strength for their growth that is called a stalking and tre uh, trellising okay tre uh, trellising okay trellising remember it skipping in t so skipping is nothing but it is a pruning method but in the lightest form so what does it means lightest pruning in the sense what so, tea, as we all know, we need young, tw uh, young twigs or young leaves. So, lightest such leaves are removed from the tea plant, that is called as skipping. Okay. So, foliage is leveled off and only green stems are removed. That is called as you are skipping in tea. Lightest pruning. Pruning is nothing but what we do. Okay. Overall branches expansion in a tree is there, right? Jitne bhi branches expansion where trees may we try to control that expansion of the tree or older branches are whatever are there those we try to cut okay so that is called as pruning cutting the old branches that is pruning lightest pruning is nothing but whatever your twigs or branches are there those are removed so that new growth of the branches happens in your plant okay then deep skip medium skip light skip level of skip unprune uh, skip

उसको आप कैसे वेजिटेटिव यंग स्टेज पे ला सकते हो उस, वो उसके लिए हम प्रूनिंग करते हैं इसके लिए क्या करते हैं ब्रांचेस को कट करते हैं और यंग ब्रांचेस को ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी देते हैं नेक्स्ट रैबिंग इन टोबैको सो रैबिंग इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म इन विच आप तो, जो आपका टोबैको जहां पर आप कल्टिवेट करते हो वहां पर आप बर्न कर देते हो उस फील्ड को सो इट इज नथिंग बट टू सिलेक्ट न्यू साइट फॉर नर्सरी और सीड बेड एवरी टाइम सो दैट

न पोटैटो एंड मेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एजिंग अपटिंग द अर्थ अराउंड क्राउन ऑफ द प्लांट तो सिंपल सी बात है सपोज ये शो किया है दीज आर इट्स रूट ठीक है ये इसके रूट है सही है यह हमारा प्लांट है ठीक है वॉट इज अर्थिंग अप अर्थिंग अप इज नथिंग बट वट एवर यू हैव प्लांटेड टू कवर द लोअर बेस ऑफ द प्लांट ह्यूज हीप ऑफ सॉइल दिस इज कॉल्ड एज अर्थिंग अप सो फ्रॉम हर दिस दिस इज ये आपका अर्थिंग अप हो गया ठीक है सो अर्थिंग अप इज ऑपरेशन इट इज ऑल्सो नोन एज हिलिंग अप हिलिंग अप क्यों कहा जाता है क्योंकि बेस पे एक ऐसा हिल बनाया गया ताकि इसकी जो बेस ब्रांच है उसको कवर किया जाए ओके टेक्निक ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द सॉइल टू एनकरेज ब्लांचिंग अगेन ब्लाचिंग आपका करने के लिए जो हमने देखा था ठीक है so करने के लिए यहां पर earthing up किया जाता है। कौन से क्रॉप्स में किया जाता है पोटेटो शुगर केन इट्स थिनिंग अब नाउ देर आर सम टर्म्स यू शुड बी नोइंग इज नथिंग बट वी ऑल वुड बी नोइंग अबाउट ऑप्टिमम पॉपुलेशन ग्रोथ ओके

How to decide a specific number? So that's how thinning helps us. It is removing the surplus plants. Thinning is nothing but when you remove the surplus plant. Suppose your optimum plant population or optimum plant growth, OPP or OPG, optimum plant population is 100 crops in your per unit land. 100 crops. But suppose now 120 crops are there. So unwanted surplus 20 plants, if we are removing that, would be called as your thinning process. Okay, next.

So this paddy with the external shell that is husk, it's taken along with the husk only. It is heated in the water. After heating of the water, it is brought and it is dried. Again it is heated and then it is sent for the milling purpose. After milling, then the husk of the paddy is removed. Okay, and in this way, milling of parboiled rice grain is done. So parboiling is nothing but पैडी देन क्लीनिंग इट सोकिंग इट इन वॉटर देन ड्रेनिंग देन स्टीमिंग इट देन एरिएटिंग इट देन टेम्परिंग सन ड्राइंग एंड देन वट एवर ड्राइड पैडी इज देर रिमूवल ऑफ द हस्क ओके सो इन धिस वे यूर पार बॉइलिंग इज डन वाई पार बॉइलिंग इज डन इन राइस ऑफकोर्स द ग्रेन ऑफ द राइस टू इम्प्रूव इट्स ओवरऑल क्वालिटी टेक्सर क्वालिटी टेस्ट कलर ये सारी चीजों के लिए आपका पॉइ पार बॉइलिंग किया जाता है एडवांटेजेस हि यू कुड सी वॉट आर द पार बॉइलिंग

Heliotropism. Heliotropism is nothing but solar tracking. If any plant, if it is showing a particular movement according to the movement of the sun, then that is called as heliotropism or heliotracking, solar tracking. In sunflower, if you see the sunflower opens its head at the direction of east when the sun is rising, and then it turns its heads as the sun sets. Okay. Next, deneveling, Very very important process removal of the male bird and this is a previous question 2021 AFO the removal of the male bird after completion of the female phase that is called as de-enabling okay that's it next jerking is the process of removing early form ear heads for the first time tillers forming flowering in the pearl millet so in millets whatever your flowering is there so removing of these early formed ear heads on the millet crop that is called as jerking. okay, now jerking is also happens in different different crops and the meaning is same only. it is removing of the early flowering or early formed ear heads in any of the crops. then is roguing now remember very carefully. suppose this is your crop. okay, you are having basmati rice in your field crop. okay, ya apka field. okay, this is your field. in this you are having basmati rice and you are also having indrayani rice okay you are having optimum plant population okay no worries but you are having different different varieties of the same crop different varieties indrayani basmati now it becomes very very difficult for me to conserve and to segregate the indigenous seeds quality seeds of basmati and indrayani and therefore it would be very logical for the yield, also, as well as to conserve the indigenous seeds also to have only one variety. Now, in next year, whenever my next kharif cultivation is there, I decide that I will only keep basmati. I will remove the Indrayani. This process of removing a rogue crop or a different variety of the crop from your field of the same plant that is called as roguing. So the process of removal of the pollen shredder's A-liners or off-type parental lines. In the seed production field, it is called as roguing. Seed, it is from the seed production angle. If you are having a field, same plants but of different varieties, it would be very difficult for your seed production and seed segregation. And that is why to have a very pure line of seedlings, that's why the roguing is done. Okay. Next, forking, again, very very important. It is the phenomena where hard soil does not allow the straight growth of taproot. इन द फॉर्मेशन ऑफ द फोर्क रूट हार्ड पैन सॉइल का इतना रहता है कि आप देख सकते हो रूट फॉर्मेशन या फिर ट्यूबर ग्रोथ जो होता है इट हैल्टीपल स्ट्रेचेस ओके इसको हम कहेंगे फोर्क रूट मल्टीपल एक्सटेंशन ऑफ द रूट एग्जाम्पल इन बीट रूट कैरेट कसावा एक्सेट्रा देन कम्स रातूनिंग वी ऑल वुड बी नूइंग अबाउट सेकेंड क्रॉप ओके सेकेंड क्रॉप इज यूज ओके वॉट एवर रिमेनिंग स्टबल ऑफ यूर फर्स्ट क्रॉप इज देयर that is used for the growth of your second crop so original stubble is used for the growth of second crop that is your ratuning happens in happens in pineapple happens in sugarcane next scuffling or soil stripping so it happens in coffee areas in coffee areas what is done soil shaking is carried out at the beginning of the dry period this is done to control the weeds so what is done is that complete whatever soil layers are there there you try to shake the soil or maybe do the secondary tillage activities in which the layers of the soils are intermixed or uh, may be uh, sh uh, like shaken between inter between the layers. then silking in maize. we all know in maize, your corn, such silky thread is developed. so the stage where the silk is visible outside the husk, that is called as silking. the ovule in the maize at this stage becomes the kernel. ट ऑफ थ्रेडी स्ट्रांड्स विच इज कॉल्ड एट सिल्क इन मेज दैट इज कॉल्ड एज सिल्किंग इन मेज स्टैंडिंग क्रॉप इज नथिंग बट बायो और लिविंग मैटर ऑफ द बायोटिक कम्पोनेट ऑफ द इकोसिस्टम एट द पर्टिकुलर टाइम सो सपोज आई कम टू योर फील्ड अगर मैं आपके खेत में आता हूं और बोलता हूँ कि वॉट इज द स्टैंडिंग क्रॉप ईयर सो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या है कि ग्रीन लशी वेजिटेटिव क्रॉप वॉट इज देर विच यू आर हैविंग इन योर क्रॉप विच इज स्टैंडिंग वॉट इज द टोटल बायोमास Which you are holding in your field, that is standing crop. Next, stenting in rows. Stenting is nothing but a quick propagation of rows. It is a process in which cutting and grafting is performed in one action. So the Dutch word stent means to stem. So what is done is that rope, or whatever rose plant is there, its stem is cut here. And for the same stem here, the bud is applied. So. Uh, uh, sorry graft is applied so cutting also at the same place and your grafting also at the same place okay so simultaneous cutting and grafting is cost effective and also it gives very quick growth of the uh, quick propagation or quick growth of the rose plant okay then metocking it is the process of cutting the pseudo stem after harvesting of the bunches okay so again here pseudo stem is nothing but in banana, you will see pseudo stem is nothing but external covering, dried covering which comes over the crop. This dry covering has to be removed because inside your vegetative green part is there. So when such pseudostem is removed, the external bark which is dried up that is removed, that is called as metokine in banana. Subarization, it is conversion of the cell walls into corky tissue by infiltration of subarine. Suppose this is the layer of a crop or plant. Subarization is nothing but here. Subarine is put into the cell walls such that such infiltration of subarine results into the stem conversion from a normal fleshy stem into the corky tissue. That means hardening of the stem. Okay. Then is nipping in castor. What does nipping mean? Technique, uh, technique of removal of apical meristem by hand or knife. So, again, nipping, what is it related to removal of your apical meristem? So, here also at the bottom, whatever apical meristem, apical shoot is there, that is removed. Next is crown choking in coconut. Crown choking, what is crown choking? Let us see. Leaves, whatever crown choking, what we are saying, it is nothing but. Whatever leaves are there, they grow in smaller in size and fail to unfold. This term is called as crown choking. Okay, so it is a disease which happens because of the uh, deficiency of vitamin uh, B. Okay, uh, sorry, deficiency of boron. Okay, Defic uh, deficiency of boron, and here this is to avoid the organic manure fertilizers that can be used to prevent the soil diseases. So, whatever your crown of the coconut plant, if you see, this crown of the coconut plant that becomes thin or that becomes very, very shrinked. This is called as crown choking in coconut. So, crown choking similarly in palm is also there, similar to coconut. Then, pinching. So, the act of pinching involves removal of growing point of shoot along with the few leaves. Okay. So, here, pinching, if you see, it is also a removal of the very young shoot or young few leaves popping popping is nothing but when groundnut is there because of the deficiency of calcium early breaking of pods happens or early opening of the pods happens be, uh, before the development of the complete seed of groundnut so such pods which early maturely open those are called as pops and that activity that activity or this disease is called as popping or early opening of groundnut seeds looping is nothing but removal of unwanted branch or twigs so looping when we see different different field crops as well as horticultural crops looping is done whatever unwanted extension of branches are there those are cut down in looping then it's flopping wilting of the leaves often it's termed as flopping it happens in tobacco, it happens in tea. Okay, so this is your flopping. It is nothing but wilting. That means drying and shrinking of the leaves. Okay. So this happens in your tobacco, tea, etc. Then comes priming, very, very important. So the lower leaves mature first. Okay. Generally in tobacco, lower leaves mature first, followed by the upper leaves in regular ascending order. Lower leaves pehle mature karte and then upper leaves mature. ठीक है इसका मतलब क्या है लोअर लीव्स लीव्स पे पे आपको आपको मिलेंगे मिलेंगे ओल्डर और अपर जो रहेंगे वो यंग सो प्राइमिंग इज नथिंग बट ओल्ड लीव्स आर रिमूव्ड एंड यंग लीव्स आर द ग्रोथ तो दिस स्टार्ट्स फर्स्ट प्राइमिंग में क्या होता है removed, द बेसल लीव्स आर रिमूव जो एकदम ओल्ड होते हैं Then, in second priming, after seven days, the much more older leaves are removed. Then, in third priming, yes, the next older are removed, and only the very young, fresh young twigs or young leaves are kept. Because of this, priming is done in either tobacco, tea leaves, and you get a very good quality of young leaves which can be picked for the tea cultivation. So, in this way, we have finished all the terms which were related to agronomy. I hope that this lecture was very, very important for you. And I am coming with more such lectures. Thank you very much. See you next time.